मान लो गुरु रूप सत संग जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सचखंड वसे निरंकार, जिथे उसका वासा है, जिस ढंग नाल उसका वासा है, किवें उत्थे पहुंचना है, किवें उत्थे तक चल के जाना है, यात्रा कितों शुरू करनी है और किवें शुरू करनी है, जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने ये सारी सूझ समझ अपनी पहली रचना जपजी साहब के राही जगत नूं कराई है। जपजी गुरु नानक की आदि बाणी है, पहली बाणी है और सारी बाणी पौड़ियां की बाणी है। ते पौड़ियां करीबन करीबन चढ़न वास्ते ही बनाई जांदियां, जीना चढ़न वास्ते बनाया जांदा है। मनुख भी सुरत सहजे सहजे उपर चढ़ सके, गुरु नानक ने अपनी महान बख्शिश भरी ये बाणी साढ़े सामने रखी है। साहिब कहिंदे सच तक पहुँचण वास्ते सब तो पहली गल जिहड़ी मनुख ने अपनानी है वह है धर्म खंड। धर्म का मतलब है जिंदगी नूं कोई मर्यादा देनी, कोई असूल देना। और केड़ी मर्यादा देनी है, साहिब कहिंदे ने वो मर्यादा नाल लिखी हुई है। किसी थां भी खाण पीण की अत कर देईए, बोलण की अत कर देईए, सोचण की अत कर देईए, जिंदगी डावां डोल हो जाती है। जिंदगी देच एक संतुलन चाहिए, एक तवाजन चाहिए। उसे तवाजन नूं साहिब कहिंदे धर्म खंड। जैसे सब कुछ रातां रुतां इत्थे तवार एक मर्यादा देच चल रहे हैं, ऐ मनुख तों भी मर्यादा देच चल। जिंदगी नूं मर्यादा दे के जिहड़ा बंदा जाप आरंभ कर देंदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप, ते उहदे च ध्यान जोड़न की कोशिश करता है, एकदम ते ध्यान जुड़ना नहीं। जैसे जैसे ध्यान शब्द के नेड़े आएगा, नवे तो नवे अनुभव मनुख के अंदर पैदा होंगे। उसे भी पड़ा आख्या धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड ते सचखंड। पड़ाओ की ने, जैसे जैसे सुरत शब्द के नेड़े जाती है। अज तुसी वाहिगुरु वाहिगुरु जपया, एकदम ये सुरत शब्द दे चलीन नहीं आने लगी। जैसे जैसे नेड़े जाएगी, नवे तो नवे अनुभव अंदर पैदा होंगे, कुछ रस भी पैदा होगा, कुछ होर गैबी गल्लां भी मनुख के अंदर प्रगट होंगी। पर ये चलन नाल है जिहड़ा चलेगा। और कर्म खंड, शर्म खंड ते ज्ञान खंड ये भी एक अनुभव है। ये गल वक्री है कि कोई बहुत तीव्र मेहनत करे ते गल छेती भी बन सकती है। बाबे फरीद ने तो इत्थे तक कह दिता है, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम गूंजणिया मनो मचिंदड़िया। जे मन नूं मछराण वालियां वासनावां नूं तू टाक रोक देने तां अज ही मिलाप है, हुणे ही मिलाप है, कल ते गल क्यों छड़ना है, अज ही रब दा मिलाप। जिवें पाणी जिस वक्त बंदा पींदा प्यास उसे वक्त बुझदी है, भोजन जिस वक्त खांदा है भुख उदों ही मिटदी है, नाम जिस वक्त जपदा है फरीद कहिंदे परमात्मा की प्राप्ति उसे वक्त हो जाती है, उसे वक्त। आज मिलावा कल परसों ते गल नहीं, पिछले जन्म ते गल नहीं, अज होना। बाबे फरीद की बाणी दे चों उन्हां दी ए पंक्ति बड़ी कीमती पंक्ति है, आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजड़ियां। जे तू मन नूं मछराण वालियां कूंजां नूं वासनावां नूं रोक सके, टाक सके, तां अज ही मिलाप है, हुणे ही मिलाप है, हुणे ही रस मान ले। कल ते क्यों छड़दा, परसों ते क्यों छड़दा। दरअसल मनुख
धर्म दे मार्ग ते आलसी है। ते धर्म दे मार्ग ते सब तो वड्डी जड़ी कठिनाई है वो चढ़ना है। लफ़्ज़ मैं फिर दोहरा दें, जमीनी रस्ता नहीं पहाड़ी रस्ता। तो पहाड़ी रस्ता होने करके मनुख थकदा है, थकण करके रुकदा है, ते कई दफा ऐसा रुकदा है फिर चलना ही भुल जाता है। बड़े बड़े गुरमुख गुरसिख मुड़ गए, चंगे चंगे नितनेमिया ने नितनेम छड़ दिता, चंगे चंगे स्रोतिया ने सुनना छड़ दिता। मैं ऐसा देखा, पर कई अगां भी वध गए। रस्ता पहाड़ी है, हर एक दी हिम्मत नहीं पैंदी। जिंदगी नू विधान देके जेड़ा मनुख नाम जपना शुरू कर देंदा है, फरीद दे कहिंदन कोई बहुत दिन नहीं लगणगे, अज ही हुणे ही आज मिलावा शेख फरीद, ताकम कूंजणियां मनो मचंदणियां। ऐसा ते हो सकदा है बूटा तो कोई अज लावे ते फल तैनू दो चार साल बाद मिलन, पर उड़ीकना पैंदा है। चार साल पांच साल बाद दरख्त नू फल लगणगे। कोई फसल बीजी है, दो चार महीने उड़ीकना पएगा फल नू। फरीद कहन अज ही गल बन सकती, अज तो जा अज ही बनेगी। और फिर मैं अर्ज करा, इनू कितने कविता शायराना तखयल ना समझ लेना, एक कवि की कल्पना नहीं। जो सोच के गल आखी जाए, सिर्फ सोच के, वो ते कल्पना हो सकती है, पर जिहड़ी गल आत्मा दे गहरे तल तो निकलती वो कल्पना नहीं होंदी, वो तखयल नहीं होंदा, वो सच्चाई होंदी है। महापुरुष जो कुछ कहिंदे ने वो सोच के नहीं कहिंदे। इतनी मैं अर्ज करदे हां, मैं थानू कथा सुनावा, मेरे कोल वसीले ने, मैं पढ़ के सुनावांगा, सोच के सुनावांगा, और तो मेरे को वसीला को नहीं, या सुन के सुनावांगा। मनुख कोल जितनी जानकारी है, या वो सुनदा है, या वो पढ़दा है, या वो सोचदा है, संग विचार करदा है। इस तो बिना होर कोई तरीका ही नहीं गल करन दा। सतगुरु की बाणी कहती जिहड़े भगत ने, जिहड़े संत ने, जिहड़े परम पुरख ने, वो पढ़ के गल नहीं कहते, सुन के भी नहीं कहते, सोच के भी नहीं कहते, फिर किस तरह कहते ने? महाराज कहते ने, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी। जो वेखे है तो कह देंगे, सिर्फ सुन नाल वो नहीं कहते। असी तुसी स्टेज तो जो कुछ भी बोलांगे, कुछ पढ़िया तो सुना दिता है, कुछ सुने तो दूजे नूं कह दिता है, कुछ सोचे तो अपने विचार दूजे की झोली च पा दिते ने, पर कहिंदे ने भगत ऐसा नहीं करदे। जो वेख है, जो रस माणे है, फिर क्या है। इस वास्ते आम कथा कहानियां च ते भगतां दी कथा कहानियां च बहुत अंतर है। किहड़ा ऐसा गुरुद्वारा है जिथे कथा नहीं होंदी? बथेरी थावां ते होंदी, गल नहीं बनती। और मेरी जिंदगी का यह तजर्बा है कि जिहड़ी गल सुन के आखी जाए वह कन्ना तक पहुँचती है, जिहड़ी गल सोच के आखी जाए दिमाग तक पहुँचती है, पर जिहड़ी गल आत्मा चो निकलती है वही आत्मा तक पहुँचती, दूजी नहीं पहुँचती। क्योंकि गल के पिछे जोर ही नहीं कित्थे पहुँचे, सिर्फ सुनी तो कह दिती है, अगलियां दे कन्ना तक ही पहुँचेगी, अगे नहीं जा रही, जोर ही कोई नहीं। और जिहड़ी गल सिर्फ सोची है, दिमागी मेहनत है, अगले दे दिमाग तक पहुंचेगी, इस तो अगे नहीं जाएगी। धर्म कोई दिमागी मसला नहीं है, इतनी मैरिज कर दे, सिर्फ दिमाग तक गल पहुंचेगी, बंदे की जानकारी बढ़ जाएगी, वध तो वध बंदा पंडित बन जाएगा, सियाणा बन जाएगा, होर तो कुछ नहीं। लेकिन धर्म नाम रस सियाणप नाल नहीं मिलता। चतराइयां सियाणपां आवें किते न काम, सह सियाणपा लख होए तां इक न चले ना, गल नहीं बनदी। जिहड़ी गल दिल दी गहराई चो निकलदी है उही दिल तक पहुंचदी है। ते दिल तो केड़ी गल निकलदी है? जिसनू दिल मन्ने, जो दिल दे विच वस गई है। इसनों स्वयं इकबाल ने भी मने
कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवास मगर रखती है। जिड़ी गल गहरे तल चो आत्मा चो निकलेगी, मोहम्मद इकबाल कहिंदा जरूर रूह तक पहुंचेगी, जरूर आत्मा तक पहुंचेगी। जो जबान चो निकली है कन्ना तक पहुंचेगी, जो दिमाग चो निकली है दिमाग तक पहुंचेगी, और जो दिल चो निकली है दिल तक पहुंचेगी। तो मैं देखना गल दिल तक नहीं पहुंचती। मैं लगातार हिंदुस्तान के कई शहरों च 20 साल तो लगातार जा रहा, कई शहर ऐसे भी हैं, तो मैं कोई पलटा नहीं देखता, तब्दीली नहीं देखता। वो मैंने कुछ अपनी खामी भी दिसती है कि जबान चो गल निकलती है कन्ना तक पहुंचती है, सिर्फ कन्ना तक। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और साहबां दी ये बाणी दा फैसला कि जो संत जन ने संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी, जो वेखे रब नूं वैसा बयान पै करदे, वैसा वह कहें देते हैं, वेख के कहें देते हैं। मैं पेखे ओरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। हुण जिस उच्चे मोहन नूं वेख्या गुरु अर्जन देव जी ने, ओदी ओ गल पै करदे ने वेख के कहिंदे पै। ओ गल बड़ी गहरे तल चो निकलेगी, दिल चो निकलेगी। पर जिसनूं हुण सिर्फ पढ़िया सिर्फ सुनिया, ओ गल दिल चो नहीं निकल सकदी। लख भी कोशिश करिए दिल चो नहीं निकलेगी, क्योंकि वेख्या ही नहीं, उन्हें समझिया ही नहीं, जानिया ही नहीं, उहदा रस ही नहीं माणिया, पढ़िया सुनिया। तो इस तरीके दीआं धुआंधार तकरीरां समुचे जगत दे चल रहीआं। किधरे मौलवी फाजिल पै बोलदे ने, किधरे पंडित पै बोलदे ने, किधरे ज्ञानी पै बोलदे ने। गल कन्नां तक पहुँचदी है, दिमाग तक पहुँचदी है, अगे नहीं जांदी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवास मगर रखती है। इकबाल कहिंदा है जिहड़ी गल दिल चो निकलती उस दे च उडारी है, प्रवास है, उड़ान है, बड़ी उच्ची जांदी है। भावें पंख नहीं पर उहदे च उड्डण दी शक्ति है। दिल चो जो निकली है बड़ी ताजगी होवेगी, उहदे च बड़ी ताकत होवेगी। ये असी देखते हैं कि एक शब्द गायन किया है गुरु नानक ने, और जिहड़ा ठग सी सज्जन सज्जन हो गया, ठगी गई। गुरु नानक ने शब्द दे साफ कह दिता है, ऐ सज्जन तू ठगी जरूर कर, पर सज्जन बन के ठगी ना कर। ठग बन के ठगी कर, सज्जन बन के क्यों ठगी करना? जब तू सज्जन बन के ठगी करना है बहुते तेरे काबू च आ जाते हैं, तू बहुतियां नूं पकड़ लैना। ठग बन के ठगी कर, कोई हर्ज नहीं, सज्जन बन के ठगी ना कर। शब्द चोट कर गए, दिल तक पहुंच गई गल सज्जन दे। हजारां कोल उसने मौलवी फाजल ते पंडितां को गल सुनी सी, आप भी पंडित सी, आप भी धर्म का बहुत अच्छा वक्ता सी, पर अज कोई ऐसे बचन कन्नां दे च पए जो दिल चो निकले सी, दिल तक पहुंच गए। कई कतल किए इसने, कई डाके मारे, कदमां दे उत्ते सिर पिया रख लै ये सज्जन। कहिंदा बाबा भुल्लां हो गई, बहुत गलतियां हो गई। गल उही गुरु नानक ने कही जो आम लोकी कहिंदे सन, पर जो आम लोकी कहिंदे सन उह जबान चो निकलदी सी, दिमाग चो निकलदी सी। अज किसे ऐसे पुरश ने गल आखी जो दिल चो निकली सी। तो सज्जन बदल गए। वो राक्षस जो आदम खोर बन गया सी, बंदियां दा मांस खांदा सी, कौड़ा राक्षस, मनुख दा मांस खाण दी आदत पै चुकी सी, अगोरी साधु। बाबे दे चंद बचन सुने जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो खैर दिल तो उही गल निकलेगी जो दिल दे च वसी है, ते दिल विच उही गल वसदी है जिन्हों दिल पकड़दा, जिन्हों दिल मनदा, जिन्हों मन्ने ना किसना वसेगी। इस वास्ते मेरी जिंदगी दा ये अनुभव है कि जिहड़ी गल जबान चो निकलेगी वह मनुख दी आत्मा नूं बदल तब्दील नहीं कर सकदी, कतई नहीं करेगी, वह कन्नां तक पहुंचेगी।
और जिहड़ी गल दिमाग चो निकलेगी, दिमाग जिहड़ी सोच है, सिर्फ खुद विचार है सोच है, वो अगले दे दिमाग तक पहुंचेगी। पर जिहड़ी गल दिल चो निकल रही है वो दिल तक पहुंचती है, ते दिल तो निकली हुई गल कदी पुरानी नहीं आती। ये भी मैं अर्ज कर दिया, कवितावां पुरानियां हो जांदियां। किसी एक कवि की कविता एक दफा सुनो तो ये जो थानू दोबारा सुना लगे तो इतनी लगन नाल तुसी नहीं सुन सकोगे, तो जे किधर तिबारा सुना लगे तो हो सकता तुसी उठ के भी चले जाओ। पर बाबे की बाणी पुरानी नहीं होंगी, ये दिल चो निकली हुई गल है, आत्मा के गहरे तल चो निकली हुई गल है। रब नहीं पुराना होंदा, आत्मा कतई नहीं पुरानी होंगी, तो आत्मा के तल चो निकले हुए गीत कदी पुराने नहीं होंगे। सच पुराना ना थीए, नाम ना मैला हो, साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दाता, वो नित नवा हमेशा नवा। तो मैं अर्ज कर रहा सी उसकी प्राप्ति अज हो सकती है, हुणे ही हो सकती है, जे मन नूं मछराण वालियां वासनावां नूं रोक देईए। आज मिलावा शेख फरीद काकम कुंजणिया मनो मचिंदणिया। पंज खंडां दी मैं थोड़े सामने विचार रख रहा, किधरे ऐसा ना समझ लेना अगले जन्म च किधरे गल बनेगी और अगले जन्म च बनेगी। तो इस तरह निराशावादी नहीं बनना, आशावादी। और इस तरह दियां उधार गल्लां आखियां भी बहुत जांदियां ने, भई अज करो तो अगले जन्म च फल मिलेगा, ये जिंदगी रोंदियां पिटदियां लंघ जाए तो अगले जन्म च फल मिले। इस तरह की बंदगी नूं करना भी की है, मूहे हुए जो मुक्त दे हो गए, मुक्त ना जाने कोई ला, मर के जड़ी तू मुक्ति देनी है वो किसने वेखी है, ये जिंदगी रोंदियां लंघ जाए। और जो जीवन मुक्त नहीं होया, जिसनों इस जीवन दे रस नहीं मिलया, मर के कोई नहीं मुक्त होने लगा, इतनी मैं अर्ज कर रहा, भटकेगा होर धक्के खाएगा। ये जीवन मुकम्मल नहीं होया, ये जीवन पूरा नहीं होया, मर के कोई पूरा नहीं होंदा। ये गल वखरी है कि मुरदे नूं असीं कह दिंदे आ पूरा हो गया, कत ही नहीं पूरा होंदा, जीवदिया जी पूरा होना पड़ेगा। तो जीवदिया जी मनुख पूरा हो सके, यात्रा कितों आरंभ करिए, किवें आरंभ करिए? तो सतगुरु नानक देव जी महाराज की, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी है जप। ये इशारा कर रही है जप करके तू पहुंच सकता है सचखंड तक। जप ते जाप गुरु घर के बच यही प्रधान है, जप ते जाप एक कोई गल है, किसी एक शब्द नूं बार बार रटना, एक शब्द का बार बार रटन कर सकी है, बहुत सारे शब्दों तो प्रेरणा लेनी है, समर्था लेनी है, ताकत लेनी है। अशेष वास्ते पंज बाणियों का पाठ करते हैं ताकि एक शब्द का जाप कर सकी है। असी इस वास्ते सुखमनी साहब पढ़ते हाँ कि एक अक्षर का जाप कर सकीए, असी इस वास्ते लंबे चौड़े कीर्तन सुनते हाँ कि एक अक्षर का जाप कर सकीए, असी इस वास्ते कथा सुनते हाँ कि एक अक्षर का जाप कर सकीए। जे एक अक्षर का जाप नहीं कर सकते तो समझ लो सिर्फ रस्ते दियां गल्लां ही सुनते पए हां, रस्ते ते चले नहीं। वह मनुख रस्ते ते चल पाया जिसने जाप आरंभ कर दिया, वह रस्ते ते चल पे। ते जे हुण चल पिया तो फिर पड़ाव रस्ते च आउणगे, ये पड़ाव एक दिन विच भी आ सकदे ने और एक महीना भी लग सकदा है, एक साल भी लग सकदा है, खिमा करनी एक जन्म भी लग सकदा है, कई जन्म भी लग सकदा है, पर अज भी गल बन सकदी। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजणिया मनो मचिंदणिया। क्योंकि सुभाविक गल चल पई, इस वास्ते थोड़ा जिहा मैं स्पष्ट कर दिया। भाई साहब भाई गुरदास जी की एक पौड़ी है, आप कहिंदे ने 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। हिंदुस्तान विच गालबन द्वापर युग विच एक ऋषि होया जिन्हें लोग सुखदेव करके जानते हैं। ऋषि ब्यास का लड़का सी, बड़ा उग्गा ऋषि होया और बड़ी लंबी चौड़ी इसने साधना की थी, ते बहुत लंबियां चौड़ियां इस दियां कथावां ने। कथावां दे एक विशेष रूप भाई साहब भाई गुरदास जी ने साडे सामने रखे है। 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। बई ये जड़ा सुखदेव है ये माता दे गर्भ विच 12 साल तक रहा,
उन्हें गैर कुदरती गल है, नेचर ते पूरी नहीं उतरती, मन नहीं मनेगा। भाई गर्भकाल का जड़ा समा है कादर करीम ने फिक्स किया हुआ, निर्धारित किया हुआ, 22 दिनों तो बाद अंडिया दे चो मुर्गी दे बच्चे निकल आते हैं। गालबन कोई 1.5-2 महीने तो बाद सपनी दे जड़े बच्चे ने अंडिया दे चो बच्चे निकल आते हैं। कुछ चौपाए जानवर ने जिन्हों का गर्भकाल का समा 6 महीने है, 4 महीने, गऊ का समा 9 महीने, 10 महीने, मनुखी गर्भकाल का समा भी 10 मास करके गुरबाणी थां थां ते आ गई। बई 10 महीनों च मनुखी बच्चे का जन्म हो जाता है। तो हुण कोई आम ऋषि मुनि गल लिखे वो गल वखरी, पर भाई साहब लिखते हैं 12 बरस गर्भास विच, भई ये 12 साल तक गर्भ विच रहा, माता दे उदर विच 12 साल तक। दिल दिमाग में बड़ा जोर ला के इस पंक्ति दे कोई अर्थ करने पैने या लगने पैने, 12 साल। फिर भाई साहब दूसरी गल करते हैं, जमदे ही सुख लई उदासी, इधरों इसका जन्म होया इधरों उदासी हो गया, उपरांत हो गया, कहने लगा मैं संसार विच रहना ही नहीं, कोई संसार की रौ रीति के मुताबिक चलना ही नहीं, मैं देख लिया संसार में, मैं देख लिया जगत में, उदासी हो गया, उपराम हो गया। हुण जमदा बच्चा किस तरह उदासी हो सकता है और किस तरह घर छड़ के जंगलों का वासी हो सकता है। तो फिर 12 साल तक गर्भास विच, 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। दरअसल पुराणा विच ये जिहड़ी कथा है इसनू भाई साहब जी ने अपने ढंग नाल वर्णन किया है। ये जो सतसंग है ये मां है, गुरु पिता है, तुसी बैठे हो ये गर्भ है। 12 साल तक सुखदेव ने सतसंग किया, सतसंग 12 साल ऋषि मुनिया की संगत की, उन्होंने ऋषि मुनिया जनक भी सी, जनक की संगत भी की, बड़े बड़े होर महात्मा लोगों की संगत की, 12 साल तक साधना की। 12 साल तो बाद आत्म प्रकाश होया, जो आत्म प्रकाश होया तो संसार तो उपराम हो गया, उदासी हो गया। 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी, 12 साल तो बाद उसका जन्म होया। 12 साल तक वो सतसंग करता रहा। इतने असी नवा ही जन्म लैण वास्ते हैं, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, एक बड़ी कीमती पंक्ति है। भाई जब सतगुर के घर जन्म हो गया तो जमना मरना मिट गया, माँ बाप के घर तो असी जन्म लै चुके हैं, हुण गुरु के घर जन्म लेना। माँ ने सानू जन्म दे दिता, पिता तो साडा जन्म हो गया, हुण गुरु तो साडा जन्म हो गया। और मैं इतनी अर्ज कर दें, माँ बाप सुत नु पैदा कर दें, गुरु सिख नु पैदा कर दें, इन्नी मैं अर्ज कर दें। मां बाप बच्चे नू जन्म देंदे ने, गुरु संत नू जन्म देंदा, भगत नू जन्म देंदा। अगर कोई पूर्ण सिख भगत संत आत्मक रसिया नहीं है तो उहदा जे गुरु घर विच जन्म नहीं होया कतई नहीं होया। एवें माण करदा फिरे मैं सिखां गल वकरी, उहदा जन्म नहीं होया। इत्थे जन्म दा समा निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है कदों जन्म होवेगा। एक दिन भी लग सकदा, सिर्फ एक दिन, जैसे कि बाबा फरीद कहना आज मिला हुआ, आज एक दिन, एक दिन देच भी गल बन सकती है। बाल्मीक दी गल एक दिन देच बन गई सी, उन्हों सपत ऋषि मिले सन, उन्हों दा उपदेश सुन के इस डाकू ने एकदम अपनी बिरती बदल ली, संत बन गए, एक दिन देच बदले। सज्जन ठग एक दिन देच बदले, कौड़ा राक्षस एक दिन देच बदले, कई इस तरह के देखे ने, एक दिन गुरुद्वारे आमदन, एक दिन बदल गए, एक दिन सिर्फ एक दिन, एक दिन की संगत नाल बदल जाता, एक दिन सतगुरु का शब्द सुने हैं बदल गए, एक दिन सतगुरु की हजूरी च बैठे हैं बदल गए, एक दिन सतगुरु का वाक सुने हैं बदल गए, सिर्फ एक दिन। तो एक दिन देच भी नवा जन्म हो सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 50 साल भी लग सकते हैं, 1 जन्म भी लग सकता है, 1 करोड़ जन्म भी लग सकता है। इत्थे कोई समा फिक्स नहीं है।
मनुख नवा जन्म लेना भी चाहता है कि नहीं, इसकी चोन उसने खुद करनी होगी। इतनी गल नवा जन्म लैन लगे ना, पुराने जन्म का चोला तो एक पासे रखना पड़ेगा, पुराने विचार ये गल लाजमी है, जरूरी है। सतगुर के जन्मे गवन मिटा है, मां बाप के घर जन्म ले चुके हैं और इस तरह के जन्म असी कई ले चुके हैं। एक लखा नहीं, ऐसे घर हम बहुत बसा है, जब हम राम गर्भ होया है। कबीर की मां कबीर नू कहिंदी है भई असी तेरे नाल बड़ा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तू घर दे च थोड़ा जिहा भी बाहर चला जाने तो असी तेरी याद दे च लीन रहिंदे हां, पर तू साडी परवाह ही नहीं करता, घर दे च रह के भी टुटिया टुटिया रहिंदा। कबीर कहिंदे ने ऐसे घर हम बहुत बसा है, जब हम राम गर्भ होया। इस तरह के घर मैं कई वसा चुके हैं, कई का प्यो बनया, कई का पुत्र बनया और इतने घर वसाए ने, हुण मैं थक गया, अगे नहीं घर वसना, हुण अगे होर नहीं ठिकाने बनाना। सूझ आ गई है, समझ आ गई है, बोध मिल गया। तो यह एक दिन दे च भी गल बन सकती है। सतसंग मां है, कथा कीर्तन तुसी सुन रहे हो ना, यह गर्भ दे च मिलनी खुराक है नवी जिंदगी मिलने वास्ते, नवा जन्म मिलने वास्ते। इतनी मैं अर्ज करा। और ब्राह्मणा ने बड़ा सोहना एक शब्द ईजाद किया है, ब्राह्मण तो मुराद है ब्रह्म का चिंतन करने वाला, ब्रह्म दे च लीन होने वाला। बाद दे च निरा पखंड चल पिया ब्राह्मण मत दे च, जिवें सिख का मतलब है सिखी सिख्या गुरु विचार, जो गुरु के विचार के मुताबिक चलता सिख, तो जोड़ा बिल्कुल ही विचार तो उल्ट चले किस तरह सिख आखोगे, किस तरह कहोगे। सिखी सिख्या गुरु विचार, जो गुरु के विचार के मुताबिक चलता है सिख, जो गुरु के कहने के मुताबिक चलता है सिख, जो ब्रह्म का चिंतन करता है ब्राह्मण है, ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का चिंतन करता है ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों के एक शब्द है ब्राह्मण वास्ते द्विज, ब्राह्मण नूं द्विज कहने संस्कृत में, हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण नूं महापंडित नूं द्विज कहने, ते द्विज के अखरी अर्थ ने दूजा जन्म, एदा दूजा जन्म। एक जन्म मां बाप तो होया सी, एक जन्म सतसंग तो होया, एक जन्म मां बाप ने दिता सी, एक जन्म परमात्मा के नाम जपण तो होया, गुरु की शिक्षा तो हो, सतसंग तो है। तो सतसंग मां है, इत्थे एक दिन दे च भी जिंदगी बदल सकती है, एक दिन दे च, दो दिन भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, एक जन्म भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकता है। और भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक होर कीमती गल कह दी है कि इत्थे गर्भ गले हैं, कई ऐसे ने गर्भ दे च मर जाते हैं, जन्म होता है मुर्दे, माता के गर्भ दे च ही मर गए, जमे ने मुर गए, तो खिमा कई कई गुरुद्वारों ही सड़ जाते हैं, जिथे सारे झगड़े मिटाने चाहिए सन उतों ही झगड़े शुरू कर दें, जितों एकता सीखनी चाहिए सी उतों ही दुबदा सीख रहे हैं, जितों शांति सीखनी चाहिए सी उत्थे ही मन अशांत कर लेंगे, जिथे सारे वितकरे मिटाने चाहिए सन उत्थे ही वितकरिया जन्म देंगे, जिथे निर्वैर भावना सीखनी सी उत्थे ही वैरी बना लेंगे। तो ये कौन है कि इतने गर्भ गले, इतने गर्भ दे ची सड़ गए, इतने गर्भ दे ची मर गए, तो जो जन्म भी होया तो की होया, मुर्दे का जन्म होना और की मरे हुए बच्चे का जन्म होना, कुछ भी जिंदगी नहीं, इतने खत्म। तो ये बहुत कीमती वाक है कि 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी, सुरत शब्द विच लीन हो गए, सुरत सच तक पहुंच सके, सुखदेव नूं 12 साल लगे, 12 साल की मेहनत करके वह पहुंचया सचखंड तक, 12 साल की मेहनत उसकी सफल हुई, 12 साल का किया हुआ सत्संग लेखे लगे, 6 साल महात्मा बुद्ध नूं लगे। तुसीं उसकी जिंदगी का मुताला करो, 6 साल भटकदा रहा, एक आश्रम तो दूजे आश्रम, दूजे तो तीजे, तीजे तो चौथे, किधरे भी उसकी चिट्टी नहीं आती सी। आश्रम दे जिहड़ा मुखी महात्मा हुंदा सी, जो कुछ भी दसदा सी महात्मा बुद्ध उसकी पूरी जो है पालना करदे सन, ते जद पूरी पालना करन तो बाद भी कुछ ना होवे तो चूंकि सियाणा पुरश सी पुछ लैंदा सी वी तुसीं जो कुछ दस्या ते मैं कीता है, पर गल ते बनी कोई नहीं, मेरे अंदर ते बेचैनी है, मैं ते दुखी हां,
जिस रस की चर्चा धर्म ग्रंथां दे चौते मेरे कोल है नहीं, तो मैं समझदा उन्हां दिनां दे आश्रम दे जिहड़े गुरु लोग होंदे सन इह भी किसे हद तक ईमानदार सन। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਾਧਨਾ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿਧਰੇ, ਕੁਝ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਬੋਧ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਬਟਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗਯਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਿਧਾਰਥ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੋ ਨਾਂ ਇਸਦਾ ਬੁੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਤਾ, ਸਿਆਣਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਤਿੱਖਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਤਿੱਖਾ ਚਲੇਗਾ ਉਤਨੀ ਵਾਟ ਛੇਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸੁਸਤ ਚਲੇਗਾ ਉਤਨੀ ਵਾਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ। ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਨਰਵਚੀ ਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸੁਰਤ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਤੈਸੇ ਤੈਸੇ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਾਨਸ ਰੂਪ ਕਹਾਏ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਕਰ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਸੂਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈ ਬੜੀ ਬਿਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ, ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ, ਮਹਾਂ ਸੁੰਦਰ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਣਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਘਾੜਤ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ, ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਔਰ ਘਾੜਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੇ ਸੁਰ। ਉੱਥੇ ਮਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਥਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਘੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਗਲਤ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਘੜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਘੜੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਜੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਾਪ ਤੇ ਧੁੱਲ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਜੇ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਟ ਗਿਆ,
धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझ। धर्मराज ने कागज फाड़ देते, केड़े कागज जो अंदर लिखे पैसे, जो कुछ तुसी बोलते हो, वेखते हो, सुनते हो, अंदर लिखा जाता है, इनू कहिंदे ने संस्कार, और उसनू कहिंदे ने चित्र गुपत। ओ चित्र जिहड़ा गुपत है, मैं थानू वेख रहा, तुसी मैनू वेख रहे हो, यह प्रगट चित्र है, पर थोड़े अंदर की है वह मैनू नहीं पता, तो मेरे अंदर की है थानू नहीं पता। वह साडा चित्र गुपत है, वह चित्र जिहड़ा गुपत है, उहदा नाम रखा गया चित्र गुपत। हो सकता मैं सच की व्याख्या कर रहा वा, तो मेरे चित्र गुपत दे झूठ होवे की पता जगत ना। और लोग आए ने गुरुद्वारे सतसंगी ने, मैनू की पता चित्त दे च की है, गुपत चित्र की है। इस वास्ते कहने किसी पशु तो धोखा नहीं लग सकता, मनुख तो धोखा लग सकता, क्योंकि मनुख का कई दफा प्रगट चित्र कुछ होर आता है, तो गुपत चित्र कुछ होर आता है, तो बाहरों कुछ होर आता है, अंदरों कुछ होर आता है। हजार जां फिदाए आं के जबानश दिलस यकेश। ईरान का प्रसिद्ध संत हाफिज कहिंदा है, हजारां जिंदड़ियां उस मनुख तों कुर्बान कीतियां जा सकदियां जिहड़ा अंदरों बाहरों एक है। जो प्रगट चित्र है वही गुपत चित्र है, जो गुपत चित्र है वही प्रगट चित्र है, बिल्कुल एक हो, कोई फर्क नहीं। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक, हमू मर्द बायद शबद सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। असी ते मर्द उसनू मनदे, महान मनुख उसनू मनदे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक जो औरंगजेब नू लिखे ने, जो जबान विच है वही दिल विच होवे, जो दिल विच है वही जबान विच है, वह मर्द है, वह मनुख है। जबान कुछ होर कह रही है, दिल कुछ होर कह रहा है, चित्र गुपत कुछ होर है, प्रगट चित्र कुछ होर है। सैकन वह तो मर्द नहीं, वह तो मनुख नहीं। हमो मर्द बाज शबद सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। चेहरे से कुछ होर प्रगट होवे, अंदर कुछ होर होवे। इस वास्ते रूहे जमीन देते मनुख मनुख तो धोखा खांदा है, मनुख जानवरों तो धोखा नहीं खांदा। सप अंदरों बारों सप है, कुत्ता अंदरों बारों कुत्ता है, शेर अंदरों बारों शेर है, गिदड़ अंदरों बारों गिदड़ है। कई दफा मनुख बारों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है, भुलेखा लग जाता, धोखा लग जाता है। पर आखिर मनुख ने मनुखी समाज में रहना है, मजबूरी है रहना है, तो मनुखी समाज चो कि जा रहा, मनुख आखिर मनुखा च ही रह सकता है, और की कितने जा रहा। हल्द्वानी नैनीताल के नेड़े एक छोटा जहा शहर है, संस्कृति श्लोकों की मैं उत्थे कथा कर रहा है कि श्लोकों में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ऐसा दसिया है कि जोड़ा मनुख है ना, अनेक जानवरों का मजमूआ है, भी बहुत सारे जानवर कट्ठे करिए एक बंदा बनता है। इस तरह के श्लोक ने किसी वक्त खुलासा कर। एक सज्जन ने मेरी गल बहुत चंगी लगी और मेरे को आया, कहिंदा गैने जी अज मेरा मन बड़ा खुश होया, रब दी ने उहदा छोटा बिराग भी मेरे कोल बैठा सी। आखण लगा हुण मैं पक्का प्रण कर लिया अकीदा, ते कहिंदा मेरा पहले दा सी भी बंदे ते भरोसा नहीं करना, क्योंकि बंदा अनेक जानवरों का मजमू है, करना ही नहीं, मेरा बंदे ते कोई भरोसा ही नहीं। आखण लगा मैनू तो घर का कुत्ता ही चंगा लगता, सारी रात पैरा देंदा, जिहड़ी चीज़ उसनू खाण नू देआं उही खांदा, दूसरी चीज़ नू मूँह नहीं मारदा। दिन भर का थका होया शाम नू जो मैं घर जाना, मेरे पैर ही पैंदा, मेरी परिक्रमा करदा, मेरे नाल प्यार करदा, कदी इसने मैनू धोखा नहीं दिता, सारी रात जाग के पैरा देंदा, मैनू बंदे नहीं चंगे लगते, ऐ चंगा लगता। और मैं इतना भी अंदाजा ला लिया, वो भरा की तरफ इशारा करके भी कह रहा, और बाद पता चलिया भरा नाल कोई झगड़ा भी है, आपस बोल चाल भी कोई नहीं। गाहे बगाहे दूजे तीजे दिन जब मेरे कोल आ गए तो फिर यही गल छेड़ बैठे, भी कुत्तियां ते भरोसा है मने, बस कुत्ते मेरे दोस्त, बंदियां नाल दोस्ती खत्म, मनुख नाल मेल जोल खत्म, मनुख ते विश्वास नहीं करना, मनुख से भरोसा नहीं करना। और खास करके ये गल बड़े जोर नाल उदों कहिंदा सी जब उसका छोटा भरा आवे, भावें अगे पिछे भी कहिंदा सी, पर उदों बड़े जोर नाल कहिंदा सी। गालबन कोई 15 दिन बाद मैनू कहण लगे, गए ने जी
भी मेरे मुंडे की बरात जानी है रुद्रपुर, तो तुसी भी नाल चलो। मेरी शरदा बड़ी जोदड़ी जिया कर लगा, आखन लगा ब्याह है तो बरात जानी है रुद्रपुर, तुसी नाल चलो। मैं क्यों नाल चला, कुत्तियां दी बरात लेके जा, एक दो कुत्ते तेरे कोल ने, दस भी मैं कट्ठे कर देना, पूरी कुत्तियां दी बरात लेके जा, क्योंकि तेनों भरोसा ही कुत्तियां ते बंदे ते भरोसा ही नहीं, मनुख ते भरोसा ही नहीं। आखिर मनुख होके मनुखी समाज च रहना पैंदा है, बंदे ते भरोसा करना पैंदा। ते मैं कि अज तैनू बंदियां दी किस तरह लोड़ पै गई, 15 दिन हो गए मैनूं सुणदिआं तेरे कोलों, वी मेरा मनुख ते कोई भरोसा ही नहीं, बंदे ते कोई भरोसा ही नहीं। ते अज बरात विच बंदियां दी की लोड़ पै गई। मैं कहा मैं तो इतने तक सोचा जब तेरी अर्थी निकले नाल कुत्ते बंदियां दी की लोड़ है, क्योंकि तेरा भरोसा ही कुत्तियां ते। बहुत औखा होया, कहने के तुसी इन्ने कौड़े बचन बोल दो। मैं कहा 15 दिन दे तू बोल रहा सी, एक दिन मैं बोल रहा, तो की हर जोग, 15 दिन दे तू कह रहा सी मेरा बंदियां ते भरोसा ही नहीं, मनुखां ते भरोसा ही नहीं, कुत्तियां ते भरोसा नहीं। मनुखी समाज विच रहना है, और ये ठीक है कि मनुख मनुख को ही धोखा खाता है। कारण कि मनुख अपना प्रगट चित्र कुछ होर बना सकता है, तो गुप्त चित्र कुछ होर बना सकता है, ये बाहरों शरीफ भी दिस सकता है अगर अंदरों बदमाश हो, ये बाहरों दयालु भी दिस सकता है अगर अंदरों जालम हो, ये अंदरों ठग हो गए तो भी बाहरों ईमानदार प्रतीत हो सकता है, एक प्रगट चित्र कुछ होर बना सकता है, गुप्त चित्र कुछ होर कर सकता है। तो भगत कबीर जी महाराज का फैसला, वो जो मेरा गुप्त चित्र है ना, वो मैं सारा धो दिता है, खत्म, वो जितना अनर्थ से सब धो दिता है, हुण मैं अंदरों बाहरों एक। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाठे कागर, जन्मा जन्मांतरां दे जिहड़े कागज अंदर पए सन लिखे फाड़ दिते, खत्म। धर्म राय दर कागद फारे, गुरु रामदास जी महाराज, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। पंडिता ने इस ढंग दियां कहानियां बनाईयां ने, भी चित्र गुप्त बैठा है बहुत लंबी चौड़ी वहीयां लैके, किताबां लैके, बंदियां दे करम पिया लिखदा है, जीवां दे करम पिया लिखदा है, एक सैकंड विच अरबां खरबां जीव पैदा हो रहे ने, मर रहे ने, सूक्ष्म अस्थूल, दिसण वाले ना दिसण वाले, किस तरह लिखता होगा, किहड़ी कलम नाल लिखता होगा, नहीं, जदों जो कुछ तुसी करदे हो उदों अंदर लिखिया जांदा, उसे वक्त जो वेखदे हो अंदर चित्र बनदा, जो सुणदे हो अंदर चित्र बनदा, जो सोचदे हो अंदर चित्र बनदा, जो करदे हो अंदर चित्र बनदा, उहनूं कहिंदे चित्र गुप्त, अंदर संस्कार बनदे ने। अंतम समय जब इस प्रगट चित्र नूं जला दिता जांदा है या कब्र विच दफन कर दिता जांदा है, जिहड़ा चित्र अगों जांदा उहनूं गुप्त चित्र कहिंदे, उह जैसा होवेगा वैसे ही जन्म लैंदा, अगर उह चित्र फैरा तो जन्म फैरा, वो चित्र चंगा है तो जन्म चंगा, पर वो चित्र जिस दे सारियां ही गलतियां मलनता धो दिती गई है, ऐसी आत्मा परमात्मा चलीन हो जाती, बाकी आत्मावां नाल संस्कार रहिंदे ने, वो चित्र गुप्त रहिंदे ने। हुण कबीर कहिंदे मैं ते चित्र गुप्त बिल्कुल फाड़ दिता, गल खत्म, मेरा कोई हिसाब ही नहीं, धर्म राय दर कागद हारे, जन नानक लेखा समझा। अंदर चित्र गुप्त, चित्र उन्हां ही चीज़ां दा बनदा है, उन्हां ही गल्लां दा जो बंदा मन करके करे। गुरबाणी दे चित्र अंदर घट बनते हैं, कथा कीर्तन दे नहीं बनते, बहुत घट। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का कहना इस वास्ते कि यह कम बंदा मन नाल नहीं करता, मन कर कभू ना हर गुण गायो, विखिया सकत रहो निसबास रहे, कीनो अपनो पायो। मन करके बंदा झूठ ते बोलदा है, मन करके बंदा लोभ करता है, मन करके बंदा वासना करता है, मन करके बंदा ठगी करता है, मन करके गुरबाणी नहीं पढ़ता, मन करके कीर्तन नहीं सुनता, मन करके वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप नहीं करता, अंदर संस्कार बनते ही नहीं, बाणी के चित्र गुप्त बाणी का नहीं बनता, अंदर तस्वीर गुरु की नहीं बनती, शब्द की नहीं बनती, विचारों की नहीं बनती, कुछ होर ही होर बनती है। जिहड़ा कम मन नाल एकाग्रता नाल कीता जाए, पूरी ताकत नाल कीता जाए, अंदरों होके कीता जाए, संस्कार उसदे ही बनदे, चित्र उसदे ही बनदा। तो गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे साडा ते चित्र गुप्त खत्म, धर्म राय दर कागद उतारे, जन नानक लेखा समझ। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाते कागर, जन्मा जन्मांतरां दे कागज फट गए, खत्म, साडा अगला कोई जन्म नहीं होगा।
कबीर ने दावे नाल कह दिता सी मैं मुड़ के नहीं आना संसार विच, बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसे का हुक्मे बूझ समावेंगे, मैं मुड़ के नहीं आना जगत विच। क्यों? चित्र गुपति कोई अगला कोई प्रोग्राम ही नहीं, अगले कोई संस्कार ही नहीं, जो मेरा जन्म होवे मैं नहीं आवना। जीवदिया जी ये दावे नाल गल कबीर ने कही है, बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसे का हुक्मे बूझ समावेंगे। हू बहु यही गल भगत नामदेव ने कही है, मैं नहीं आऊंगा मुड़ के, मैं जगत विच नहीं आऊंगा। उन्होंने बचन मैं थोड़े सामने रखा, बस बै रागन मोहे बस कीने, पंचों का मिटनाओ, सत्र दोए भरे अमृतसर बिख को मार कढ़ाओ, पाछे बहुर ना आवन पाओ, अमृत बाणी घटते उचरो आत्म को समझाओ। भगत नामदेव कहने दस बै रागन मोहे बस कीने, आ जे दस इंद्रे ने मैं काबूज कर लेने, मेरे वस दे चने, ये नहीं कि अखा मैनू गलत पासे लै जाए, जबान मैनू गलत पासे लै जाए, कन मैनू गलत पासे लै जाए, खलड़ी मैनू गलत पासे लै जाए, दिमाग मैनू गलत पासे लै जाए, ये सारे मेरे काबू च, मैं इन्हों के काबू च नहीं। संसारी ते भगत की इतनी पहचान, हर बंदा इंद्रियां दा दास है, किधरे अखा करके बंदे की चेतना भटक गई, किधरे जबान करके, किधरे कन्ना करके भटक गया, किधरे खलड़ी करके, किधरे नाशका करके, आखिर इन्हों करके भटकना। और इसे वास्ते भगत कबीर कहते हैं कि बाबा अब ना बसो ए गांव, घरी घरी का लेखा मांगे काहे तचेतो ना। इस शरीर विच हुण मैं नहीं रहना चाहता, ये इंद्रे अपना अपना रस मंगते हैं, कभी अखां रस मंगदी, कभी जबान, कभी कन, कभी खलड़ी। हुण नामदेव कहिंदे ये दस मैं काबू च कर लैने, ये मैनू नहीं भटकांदे। दस बैरागन मोह बस कीनी, पंचों का मिटनाओ, पंजा विषयां दा ते मैं नाम निशान ही मिटा दिता, सबल स्पर्श रूप रस गंध खत्म, ये इंद्रे मेरे काबू च ने, मैं इन्हां दे काबू च नहीं हाँ, एक ए भी अवस्था है। सत्र दोए भरे अमृत सर बिख को मार कढ़ाओ, पता नहीं ये गल विज्ञान ते किस हद तक पूरी उतरदी है। भगत नामदेव कहिंदे मेरे शरीर के अंदर जिहड़ियां 72 मोटियां नाड़ां ने, 70 दोए भरे अमृतसर, 70 दो 72 मोटियां नाड़ां, सूक्ष्म नाड़ां ते अनगिणत ने, वैदिक ग्रंथां ने ते भगतां ने अंदर जिहड़ियां मोटियां नाड़ां ने, जिन्हां दा सूक्ष्म नाड़ां दे नाल संबंध है, वह 72 मनियां ने। पता नहीं विज्ञान दे संबंध च की खोज है, वो ही जाणन। शब्द दीआं पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख रहा। हुण नामदेव कहिंदे इन्हां मोटियां नसां दे खून नहीं गर्दिश कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहे, मेरे अंदर अमृत है, खून नहीं। 70 दोए भरे अमृत सर, उते अमृत नाल भर गए, खून मेरा अमृत हो गया, अंदर अमृत गर्दिश पिया करता, अंदर खून नहीं। इकबाल का भी एक वचन है मैं थोड़े सामने रखा, वो कहिंदा है एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। एक बूंद खून जे किधरे मनुख के अंदर उछाल पा जाए, शहीद हो जाता है, भगत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, उछाल ते खून दे चाहेगा, अंदर उछाल है, जज्बात अंदरों उछलेंगे। तो नामदेव कहिंदे ने हुण मेरियां नसां दे च खून नहीं गर्दिश कर रहे, अमृत, ते इहो जिहां दा खून जे किधरे डुल जाए उत्थे तीरथ बन जांदा। हजारां मनुखां दे खून डुलदे ने किधरे तीरथ बनदा, पर गुरु तेग बहादुर साहिब दा खून चांदनी चौंक च डुलिया तीरथ बन गया, 24 घंटे उत्थे रौनक बनी रही, सारा दिन आवाजाई बनी रही है। मेरी जिंदगी दा तजर्बा है, उत्थे बैठ के जो कथा करन दा या कीर्तन सुनन दा आनंद आउंदा होर किधरे नहीं, ते मेरी जिंदगी का तजर्बा और कई स्रोतों तो मैं गल सरवण की। इनू साढ़े प्राचीन ऋषि मुनि कहन अस्थान भेद, जगह का असर, अस्थान का असर, जगह का असर, बकायदा जगत का असर, जगह का असर होंगे। इस वास्ते अनेकों का अनुभव है जो दरबार साहब विच बैठ के आनंद मिलता है, आसा दीवार का कीर्तन सुन के होर किसी पासे नहीं मिलता, हालांकि बाणी तो हो, कई दफा रागी भी हो। अस्थान वे जगह दा सर,
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਥੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੀਸ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕ 10-10 ਮੀਲ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ, 20-20 ਮੀਲ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਸ ਗੰਜ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਮਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੇਦ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਅਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਜਾਈਦਾ, ਐਵੇਂ ਖੱਪਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸ ਮਿਲਦਾ, ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ, ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਤੜਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਲਟਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਛੇਤੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ, ਮਿਕ ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਉ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਬਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਦੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਪੇਖੇ ਹੋਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਜ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
पर ओदी अख अजे गोबिंद तक नहीं पहुंची, ओदी अख अजे परमात्मा तक नहीं पहुंची, ओदी अख ने अजे ईश्वर नू नहीं कबूलिया, परमात्मा नू नहीं कबूलिया। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे मैं ये दस इंद्रे काबू च कर लेने, हुण मेरा पवित्र हो गया, हुण मुड़ के मैं नहीं आवना। दस बैरागन मोह बस कीनी पंचो का मिटना, सत्र दोए धरे अमृतसर बिख को मार कटाओ, पाछे बहोर ना आवन पाओ। मैं ते जींदियां जी पूरा हो गया, मुड़के कानू आना, गल खत्म। अगला मेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं, मेरा चित्र गुप्त ही नहीं बनया बचया, जिहड़ा हुण प्रगट चित्र बने। दूसरा जन्म होवेगा चित्र गुप्त दे आसरे दे, ते जब चित्र गुप्त ही कोई नहीं ते जन्म कर, चित्र गुप्त ही नहीं है ते प्रगट चित्र कित्थों। अंदर दे सारे संस्कार मिट गए, इसकी पहचान किस तरह होगी कि अंदरों धुल गया। जब तुम नाम जपन लगो तो कीतियां हुई गलतियां चेते ना आन, कीते हुए पाप चेते ना आन, समझ लो धुल गए, खत्म, फिर बस शुद्ध हो। इधर तुम सुंदर गुटका लो, इधर कीतियां हुई गलतियां चेते आन, इधर तुम वाहगुरु वाहगुरु जपो, इधर कीते हुए पाप चेते आवन, अजे धुले नहीं है, अजे मिटे नहीं, अजे मेहनत करनी पेगी, अजे कोशिश करनी पेगी। सब तो पहला नाम जपण वाले नूं की दिखाई देता है, अगर उसकी सुरत थोड़ी जी चल पै, कीतियां हुई गलतियां दिखाई देंगे, कीते हुए गुनाह दिखाई देंगे, कीते हुए पाप दिखाई देंगे। अंदर ही कहे ने चित्रगुप्त अंदर से पे, तो ज्यों उसनों अपने चित्रगुप्त के दर्शन होंगे कंब उठता, फिर उसे चित्रगुप्त को गाने की कोशिश करता है। तो कदों धुलते हैं, जदों चेते ना हो, चित्त दे च ही नहीं रहे, चेते खत्म, चित्रगुप्त खत्म। इस तरीके के नुकते ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के जो साढ़े सामने रखे गए हैं, सरम खंड पहुंच के ये विचार चित्रगुप्त की अंदर की जी रूपरेखा है सब धुल जाती, मन घड़िया गया गलत फुरने ही नहीं पैदा हो गया, चित्त घड़िया गया गलत गल्ला चेते ही नहीं करता, ईश्वर चेते आता, अकाल पुरख चेते आता, बुद्धि घड़ी गई कोई गलत फैसला ही नहीं करती, तो अहम भाव घड़िया गया होमे घड़ी गई वो बदल गई अणख दे खुददारी जाप जारी है अजय भी घड़िया गया बिल्कुल मन घड़िया गया बिल्कुल चित, लेकिन जाप जारी है वाहिगुरु वाहिगुरु सुरत बहुत नेड़े आ गई शब्द है अजय पूर्ण तौर पर लीनता नसीब नहीं हुई, लेकिन इतनी गल जरूर है कि तैयारी है, क्योंकि सब कुछ घड़िया गया सिंघासन बन गया तो हम परमात्मा ने आके विराजमान होना, हुण ईश्वर ने आके विराजमान होना है। मन जो घड़िया गया, बुद्धि घड़ी गई, चित घड़िया गया, अहम भाव घड़िया गया, तो सिमरन जारी है, जाप जारी है, सुरत पहुंच गई किथे, कर्म खंड विच। कर्म शब्द संस्कृत दा होवे ते इहदे अखरी अर्थ बणदे ने कम, ते कर्म शब्द उर्दू ते फारसी दा होवे ते इहदे अखरी अर्थ बणदे ने बख्शिश रहमत, ये फारसी दा लफ्ज़ है कर्म, किधरे कर्म शब्द संस्कृत का है, किधरे कर्म शब्द फारसी का परशियन का, इहदे अखरी अर्थ ने बख्शिश। कर्म खंड की बाणी जो, चौथा खंड बख्शिश का खंड, रहमत हो गई बख्शिश हो गई, करो जतन जे होए मेहरबान, यतन कर तेरे ते बख्शिश हो जाए। तो ज्यों सर्म खंड जाप जारी है, सुरत अगे चली गई, बख्शिश हो गया, रहमत हो गई। ते किस तरह पता चलेगा हुण इस ते बख्शिश हो गई है, किवें बोध मिलेगा? कर्म खंड की बाणी जोर, उत्थों दी बणतर बड़ी जोर वाली है, उहदे बचना च जोर आ जाएगा। कहिंदे ऐसे पुरश के कदमां विच क्रांति आउंदी है, हत्थां च बरकत आउंदी है, और रसना च सत्य आउंदी है। ये पहचान है कर्म खंडी मनुख दी। गुरु नानक देव जी महाराज का एक वाक है श्री राग दे अंदर, कुंगू की काया रतना की ललका, अगर वास तन सास, अठसठ तीर्थ का मुख टिका, तित घट मत विगास। साहिब कहिंदे ने कर्म खंड विच पहुंच के मनुख इतना पवित्र हो गया, उहदी काया केसर वर्गी बन जाती है, उहदी रतना दे नाल जड़त रसना आउंदी है, और उहदे श्वासां विचों चंदन की महक आउंदी है। व्याकरण नीति के मुताबिक जद मैं श्लोक पढ़िया से गुरबाणी ग्रैमर के मुताबिक, तो ये जोड़े अर्थ पढ़े सन, यकीन जाणो अपनी तर्क बुद्धि करके मन सहमत नहीं होया से, भी श्वासों के चंदन की महक खुशबू, श्वास के अंदरों आने खुशबू कितों,
सुगंधी के थे। लेकिन आज तो 5-6 साल पहले एक वाकया होया है हिंदुस्तान में। गंज डडवाड़ा एक छोटा जिहा कस्बा है जिला एटा का यूपी में, उत्थे एक घटना घटी। तो इस घटना की जानकारी मैंने कराई संत करतार सिंह ने, जो मंजी साहब की सेवा करा रहे हैं दरबार साहब, मंजी साहब का हाल बना रहे हैं। उन्होंने जानकारी मैंने इस वास्ते कराई भी तुसी ये जिस पंक्ति के अर्थ करते ये गलत साबित हो रहे हैं, ये थोड़ी अपनी कपोल कल्पना है और तार्किक बुद्धि करके तुसी अर्थ किए ने, सच्चाई के पूरे नहीं उतर रहे। उन्होंने मैंने कहा भी तू गंज डडवाड़े जा, फिर इस पंक्ति के जड़े अर्थ ने ये तेरे सामने खुलणगे। क्योंकि अगर वास्तव सास दे मैं अर्थ किए सन कि वह बंदा गुणवान हो जाता है तो लोगों उस तो गुणा की प्रेरणा मिलती है, गुणा की महक उसके अंदर आ जाती है। तो मैं कह लगे संत करतार सिंह इतने लिखे है अगर वास तन स्वास स्वासा दे सुगंधी आ जाती है तो जोड़े अर्थ किए ने यह पूरे नहीं उतरते। खैर गंज डड़वाड़े की जो कुछ उन्होंने मैंने कथा दसी तो जो कुछ मैं दाके देखा हिंदुस्तान के सारे अखबारों से यह खबर छपी थी, सारे अखबार। उत्थे एक छोटा जिहा गुरद्वारा है, एक बिरध बाबा उत्थे रहिंदा सी कि नाम धाम वह बिल्कुल बेनियाज समुची दुनिया पर सारिया पर। एक दिन संगतां नूं कहण लगा कल मैं संसार तो चले जाना है। ये कोई 500 साल 100 साल पुराना वाकया नहीं, वालबन 5 साल सिर्फ इन्ना ही अरसा मेरे अंदाजे मुताबिक, शायद इस तो भी घट। तो संगतां ने कहा बाबा जी फिर थोड़ा असी दास सत्कार करिए या जल प्रवाह करिए। तो कहन लगा ना जल प्रवाह करना है ना दास सत्कार करना है, मैं अपना दास सत्कार आप करांगा। तो लोग सवेरे बड़े इकट्ठे हो गए भी शायद खुदकशी करेगा आत्महत्या करेगा पता नहीं की करेगा। कहिंदा मैं अपना दास सत्कार आप करना है। सारा कस्बा उत्ते इकट्ठा हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अगों बैठ के इसने सुखमनी साहब का पाठ किया बड़े लगन नाल, वाहगुरु वाहगुरु की धुन अलाफी, फिर सौ गया ते उदी नाभी विचों अग निकली और उदे नाल सहजे सहजे उसका सारा शरीर जल गया। रात नहीं बची, अज वह थां तीर्थ बन गई, बड़े यूपी के भाई उत्थे पहुंच गए। और मैनू संत करतार सिंह कहन लगे कि उत्थे चारों पासे महक सुगंधी फैल गई सी उसके शरीर के चों सुगंधी, तो फिर अग गर्म नहीं सी ठंडी अग। योगा अगन ब्रह्म अगन दीयां गल्लां मैं पढ़ियां दसन गुरु ग्रंथ साहब च, बकायदा जिक्र है ब्रह्म अगन सहजे पर जागी एक चोड़ सिदार। पर ब्रह्म अगन किसी किसी थान इस ढंग नाल भी प्रगट हो सकती है, इसका बोध मैनू उदों मिले। तो निर्मले बाबा बलवंत सिंह ने गल एक खोली सी कि तप का मतलब है ताप अगन सोस, अंदर तप करना तपश बधानी है, तपश तो मुराद शक्ति ताकत, समुचे जगत की जी ताकत है वह अग है और कुछ नहीं। ईंधन समुचे ब्रह्मंड की हलचल एक सूरज करके, सूरज ठंडा पै गया सब कुछ ठंडा पै गया, सारी शक्ति तो अग है। नाम जपद्या जपद्या ब्रह्म अगन मनुख के अंदर प्रज्वलित हो जाती है और यह अगन ठंडी अगन श्वासों के सुगंधी आ जाती, काया बड़ी पवित्र बन जाती है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते उस बंदे के दर्शन मानो 68 तीर्थां का इशनान है। 68 तीर्थ कामुख टिका तित घट मत विगास, इसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कर्म खंड की बाणी जोर बचना में सत्य आ जाए, बड़ी ताकत आ जाएगी, कदमों में क्रांति आ जाएगी, हाथों में बरकत आ जाएगी। इसका खुलासा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के कई शब्दों में गुरु अमरदास जी ने ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया है, मैं संक्षेप के नाल हुण अर्ज की है, विस्थार कल थोड़े सामने रखांगा कि कर्म खंड के बाणी जोर वो जोर प्रगट होंदा हत्थां चो पैरां चो रसना तो नेत्रां तो नानक नदरी नदर ने नाल अम्यो दृष्ट शुभ करे, अमृतमई दृष्ट नाल भी कई दे दिल दिमाग बदल देंगे, बचना नाल भी बदल देंगे, कदम जिस पासे रखेंगे क्रांति हो जाएगी, हथ जिस चीज़ में छू जाएंगे कुछ बरकत ही बरकत होंगे,
साहब साफ कहते हैं कई हथ बड़े बेबरकते होंगे ने, जे वह कंचन हथ लावे फिर छेती रल गया, सोने हथ लाए तो मिट्टी पै जाए। तो कई हथ बड़े बरकत वाले, बिगड़ते काम में हथ पाएंगे सिरे चढ़ जाएगा। कई हथ बड़े बेबरकते, बनते हुए काम में हथ पाएंगे बिगड़ जाएगा। साहबा की बाणी च ऐसे वाक आते हैं। करम खंड में पहुंचे हुए मनुख की की पहचान है, कुछ ये विचार कल तुहाडे सामने मैं रखांगा। समय इस वक्त हो गया ते अधूरी गल के करके अगे मैं चला जावा तो टीके ते तुसी पढ़ ही लेंदे हो, अर्थ बोध ते तुसी पढ़ ही लेंदे हो, कोई लंबी चौड़ी गल नहीं। मैं इसे थोड़ा जिहा खुलासे नाल रखना चाहना ताकि सानू इस गल का बोध हो जाए। असी धर्म खंड विच खड़े हाँ, ज्ञान खंड विच खड़े हाँ, शर्म खंड विच खड़े हाँ, करम खंड विच खड़े हाँ, या सच खंड विच पहुँच गए हाँ, या किसी खंड विच भी नहीं। इस मार्ग के पांधी ने इस गल का सानू बोध होना चाहिए, इस गल का सानू पता होना चाहिए। बाकी की गल कल आप जी के सामने रखांगे। जो कुछ आपने सरवण किया है अरदास दसों पातशाहियों के अनुभव स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अगों साड़ी सुरत नू गति देवे, ताजगी देवे, ताकि एक एक खंड तो लंघ के इस सच खंड तक पहुँचे और इसे ही जिंदगी जिंदगी की बाजी में असी जित सकी। विचार इतनिया इस वक्त प्रवान करनिया, भुल चुक खिमा की याचना गज वज के पते प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। ज्ञान